प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो उसमें लिखा है, उपग्रह दृश्य की सहायता से एक नगर नियोजक एक कस्बे के मुख्य भवनों को अंकित करने का प्रयास करता है। उपग्रह दृश्य में एक पार्क ओ को ध्वज को उपयोग करके इंगित किया जाता है, जो दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है। पार्क में 5 किलोमीटर दक्षिण और 7 किलोमीटर पूर्व में एक अस्पताल चिन्हित है, 3 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर में एक मॉल चिन्हित है। पार्क के 8 किलोमीटर पश्चिम और 5 किलोमीटर उत्तर में एक फायर स्टेशन एफ चिन्हित किया गया है, और पार्क के 4 किलोमीटर पश्चिम और 5 किलोमीटर दक्षिण में एक पुलिस स्टेशन पी चिन्हित किया गया है। उसके आधार पर फिर यदि हम इसकी इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ने के इसको उसमें क्या लिखा है, उसमें भी आप लिखा है, द विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट व्यू एल टाउन प्लानर ट्राइज टू द लोकेट द मेन बिल्डिंग्स ऑफ टाउन इन द सेटेलाइट व्यू पार्क ओ एज ए पॉइंट आउट यूजिंग ए फ्लैग विच इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ एक्सिस। पार्क को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जैसा कि इसमें बताया गया, तो उसके अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं, बना सकते हैं इस फिगर को, थोड़ा इंडिकेट कर लें उसकी हेल्प से। तो यहाँ हम एक ग्राफ प्लान करते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ओ मार्क किया, जिसको कहा गया है पार्क है, और पार्क में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, पार्क के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ओरिजिन को हमें इंटरसेक्ट करेंगे, तो ओ को मार्क कर दिया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जैसा कि उसने कहा है, पॉइंट ऑफ द फ्लैग्स विच द लोकेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट नेक्स्ट 5 किलोमीटर साउथ। 5 किलोमीटर साउथ नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब एक्स वाई एक्सिस पर जाएंगे, एंड द 7 किलोमीटर ईस्ट, और ईस्ट में 7 किलोमीटर जाएंगे, तो x7 और y-5 होगा, तो उसके रिप्रेजेंट किया गया दैट बी हॉस्पिटल एच। उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ, 3 ईस्ट और 5 किलोमीटर वेस्ट में जाके एक पॉइंट लोकेट किया गया, जिसको मार्क किया गया मॉल एम। देन आफ्टर मार्क 8 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ में ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट हम मार्क कर लें, तो ये पॉइंट आपके पास 8-8 और 3-5 होगा। नॉर्थ इज ए पार्क फ्रॉम द पार्क ऑफ द पार्क इज द फायर स्टेशन, एंड 4 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ देन भी 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर वेस्ट और 5 किलोमीटर नॉर्थ, ये आपको मार्क किया गया बी पार्क फ्रॉम द फायर स्टेशन मार्क, एंड 4 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर साउथ। 4 आपको मार्क किया गया वेस्ट में और 5 साउथ में, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यूज होंगी वो निगेटिव आएंगी, -4 -5, जबकि एच के कोऑर्डिनेट होंगे 7-5, एम के कोऑर्डिनेट होंगे 3 एंड 5, और आपके जो फायर स्टेशन के कोऑर्डिनेट है वो -8 5 होंगे। अब उसमें कहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पार्क में अधिकतम दूरी पर कौन सा भवन अंकित किया गया है, तो विच ऑफ द बिल्डिंग मार्क ऑफ द फॉरेस्ट टू द पार्क, तो पार्क से सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। यदि चाहे तो हम पार्क से हॉस्पिटल को देखें, फायर स्टेशन को देखें, या आपका जो पॉइंट है पुलिस स्टेशन उसको देखें। सारे पॉइंट के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें देखेंगे, सबसे पहले हम ओ एम निकालते हैं। ओ एम मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्क टू मॉल। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। अब यूज करेंगे कोऑर्डिनेट, तो देखेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 0 0 हो गए। उसके बाद हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सही से यूज करें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब ये वन बाय वन आप देखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे।
तो हमें कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0 0 है, जबकि मॉल के कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो x2 को यदि हम कंसिडर करें 3, तो 3 माइनस 0 3 रहेगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 माइनस 0 का 5 और वो भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 प्लस 25 मीन्स आपके पास 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का 9 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 34 किलोमीटर आ रहा है, रूट में √34 किलोमीटर। सिमिलरली यदि हम ओ एफ का डिस्टेंस निकालें तो ओ एफ का डिस्टेंस भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएंगे, जिसमें एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास 0 है ऑलरेडी, तो -8 और 0 यदि हम करते हैं तो उनका स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली यदि हम देखेंगे 5 माइनस 0 उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 89 किलोमीटर। सिमिलरली ओपी जो पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस है फ्रॉम द पार्क, वहाँ भी निकालें तो आपके पास आएगा -4 और 0, -4 0 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, सिमिलरली -5 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इनको भी आप ऐड कर दें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 41 किलोमीटर। सिमिलरली OH का भी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हॉस्पिटल टू पार्क, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यूज आएगी उसमें भी देखेंगे 7 माइनस 0 49 आएगा, देन -5 और 0 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, दोनों को यहाँ भी ऐड करेंगे तो आपके पास 74 किलोमीटर, √74 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। अब आप इनमें सब में कंपेयर करें कि सबसे दूर कौन सा डिस्टेंस है, तो देखेंगे यहाँ पर 34 है, ये रूट के अंदर है, ध्यान रखना कैलकुलेट नहीं है, डेसिमल में नहीं है। तो यहाँ नॉर्मली यदि हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट नंबर 89 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इट इज अ फॉरेस्ट, मतलब पार्क से और फायर स्टेशन सबसे दूर है। उसके अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो फायर स्टेशन होगा और वो सबसे दूर होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसमें सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि यदि आपको कहा जाए कि पुलिस स्टेशन और अस्पताल के बीच का डिस्टेंस क्या है, उसको भी आपको निकालेंगे, यहां उसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल का डिस्टेंस यदि हम सीधा निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हम कह देंगे PH डिस्टेंस निकाल लें, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सपोज करो कि ये एक्स, ये एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, या हम इसको कहते हैं एक्स वन वाई वन तो इसको एक्स टू वाई टू कहते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसी को भी कंसिडर करें, तो 7 माइनस और -4 है तो -4 प्लस 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आपके पास आएगा -5 और ये भी -5 है, तो --+5 हो जाएगा, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहां डिस्टेंस निकालेंगे ये, तो डिस्टेंस आपके पास 4 और 7 11 का स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा 0, मीन्स यदि आप निकालेंगे तो डिस्टेंस आ गया 11 किलोमीटर। तो पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट में देखेंगे तो आपके पास 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन। फिर आगे थर्ड क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी वाहन चलाकर सीधी सड़क से मॉल से अस्पताल पहुंचता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, वो मीन्स ए मैन ड्राइव थ्रू स्ट्रेट रोड फ्रॉम द मॉल टू हॉस्पिटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय मैन इज, अब वो कहां से मॉल से और हॉस्पिटल जाता है, मॉल यहां पर है देखेंगे आप और हॉस्पिटल ये है, तो यदि यहां से सीधे उसको कनेक्ट किया जाए तो डिस्टेंस आप निकालेंगे थर्ड पार्ट के लिए मॉल टू हॉस्पिटल, यहां फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां आप देखेंगे 3 माइनस 7 कर देंगे होल स्क्वायर और यहां -5 -+5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 7 -4 का स्क्वायर आएगा +5 5 10 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी होगा, 4 का स्क्वायर 16 है जबकि 10 का 100 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 116 जो डिस्टेंस आएगा। अब 116 यहां पर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टर कर दें, 116 के यदि फैक्टर करते हैं तो 2
फाइव जा और टू एट जा, फिर टू से करेंगे तो टू टू जा फोर, टू नाइन जा एटीन। तो यहाँ यदि आप लिखेंगे इसको तो टू का एक पेयर आउटसाइड आएगा, तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2√29 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट फिर पूछ रहे हैं वो फोर्थ पार्ट में कि मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन से एक सीधी सड़क मॉल की ओर जाती है, तो एक पुलिस अधिकारी को मॉल तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। फर्दर ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कहाँ से, पुलिस स्टेशन से एक सीधी सड़क मॉल की ओर जाती है। अब पुलिस स्टेशन से मॉल तक का डिस्टेंस देखेंगे वो कितना हो सकता है। उसने कहा एज्यूम दैट द स्ट्रेट रोड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन लीड टू द मॉल, देन हाउ मच डिस्टेंस ए पुलिस ऑफिसर हैज टू ट्रेवल द रीच द मॉल। कहाँ से कहाँ जा रहा है, पुलिस स्टेशन से और मॉल तक जा रहा है। पुलिस स्टेशन आपके पास कहाँ है, ये है, और मॉल यहाँ पर है। तो पूरा इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनको यूज करना है। तो यहाँ आपके पास डिस्टेंस मान के चलेंगे पी और एम, पुलिस स्टेशन से मॉल का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ आपके पास सबके पास पॉइंट हैं तो वो देखेंगे 3 और 4 है, तो यहाँ से हम यूज कर लें 3 माइनस माइनस 4 तो +4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे प्लस ये 5 माइनस माइनस 5 तो +5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ये कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर कर दें प्लस 10 का स्क्वायर कर दें मीन्स ये आपके पास 49 प्लस 100 आएगा। मीन्स अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 149 रूट के अंदर किलोमीटर, मतलब मॉल और पुलिस स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो 149 किलोमीटर रूट के अंदर होगा। अब लास्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मॉल के निकट फायर स्टेशन है या अस्पताल। अब इनमें मॉल से और फायर स्टेशन, मॉल ये है और फायर स्टेशन, मॉल के निकट फायर स्टेशन है या अस्पताल। अब देखेंगे यहाँ हॉस्पिटल देख रहे हैं और फायर स्टेशन देख रहे हैं। अब फायर स्टेशन से भी एक डिस्टेंस निकालना है सीधा हमें, तब हमें एक्यूरेट लास्ट का आंसर मिलेगा। तो ये हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं एच और एम, एच एम ये डिस्टेंस है ये हमने निकाला है ऑलरेडी। अब यदि हम दूसरा डिस्टेंस निकालें फोर्थ फिफ्थ पार्ट के लिए, तो फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है कि हम अभी मॉल और फायर स्टेशन का भी डिस्टेंस निकालें। तो उसने पूछा कि वो कौन सा डिस्टेंस है जो निकट है, नजदीक है, नियर है, विच आर नियरर टू मॉल, फायर स्टेशन और हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का डिस्टेंस तो मॉल से निकाल चुके हैं, मॉल से फायर स्टेशन का डिस्टेंस निकालना है। अब देखेंगे आपके पास 3 है, माइनस होता है फॉर्मूले में, -8 यहाँ पर है तो +8 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 8 प्लस 3 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मीन्स यदि हम कैलकुलेट करें तो स्क्वायर ऑफ रूट 11 इज 11 किलोमीटर। अब देखेंगे ये 11 मोर है या ये डिस्टेंस मोर है। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि ये और नजदीक कौन सा है। तो यदि हम देखें कि 29 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना होगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से तो मोर है बट इतना भी मोर नहीं है कि वो 11 से ज्यादा हो जाए। कैलकुलेट करते हैं 29 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे 29 स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो 5 5 25 होते हैं, 25 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, डेसिमल लगा दें तो यहाँ डबल पेयर, एक पेयर ऑफ जीरोज आएगा, यहाँ लिखेंगे 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको 4 टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें ये देखना है। यदि 4 टाइम्स करते हैं तो 400 से ज़्यादा आ जाएगा, 300 समथिंग करेंगे तो ये 309 आएगा, बट ये 5.3 आ गया। 5.3 को यदि आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.6 या मैक्सिमम 7 आएगा बट लेस देन 11 किलोमीटर। तो नज़दीक क्या है वो हमें देखना है। तो हमारे पास देखेंगे तो मॉल से हॉस्पिटल नियर है, नज़दीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका देखेंगे तो वो कौन सा नज़दीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि उसमें हॉस्पिटल इज द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू मॉल। तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह से मिल गए कि यहाँ आपको मिला कि एक डिस्टेंस थर्ड का आंसर जो है 2√29 किलोमीटर है, जबकि
फोर्थ का रूट 149 किलोमीटर है और नियरेस्ट जो डिस्टेंस है मॉल से वो हॉस्पिटल का है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है।